हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रूपा। स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है मेरी माँ की रेसिपी। और दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूं हरे मटर की दाल। ये दाल बहुत ही अच्छे बनते हैं और बहुत ही स्वाद लगते हैं। ये देखिए, हमने ठंड का मटर लिया है, ताज़ा ताज़ा मटर है। ये आधा कटोरी मटर लिए हैं और ये छौंका लगाने के लिए लहसुन, मिर्चा, तेज़पत्ता और जीरा, इसका हम छौंका लगाएंगे। हल्दी कलर आने के लिए थोड़ा सा लेंगे। जीरा हमने लिया है, चार हरा मिर्च लिए हैं, छह लिए हैं लहसुन की कलियाँ। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो इसकी जगह में आधी ले सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे और एक गिलास पानी दाल बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम सरसों का तेल देंगे कढ़ाई में, लहसुन देंगे, जीरा देंगे और साथ में हरा मिर्च देंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते दोस्तों तो इसकी जगह में आप आधी दे सकते हैं। और इसे हल्का भुनना है। ये देखिए, हल्का भुना गया। इसके बाद हम इसमें मटर डालेंगे। दोस्तों, अगर आप ये बना लिए हैं हरे मटर की दाल, तो मैं बता रही हूँ कि आप हमेशा पूरा ठंड आप इसी को ही बनाइएगा, रहर दाल नहीं बनाइएगा। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और पौष्टिक भी हैं ये। तो देखिए, अभी हमने नमक ऐड किया है इसमें। नमक थोड़ा कम ही ऐड करेंगे क्योंकि हमें बाद में भी नमक ऐड करना है। तो ये देखिए, हल्का आंच में इसे भून लिया है। बस 5 मिनट के लिए इसे पकाए हैं, इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसे ठंड के लिए रख दिए हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हम पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, जार में डाल रहे हैं इसको। अब इसका हम दरदरा पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये दरदरा पेस्ट है। इसे आप चटनी के जैसा भी खा सकते हैं। इसे हम थोड़ा सा निकाल ले रहे हैं चटनी के लिए। बच्चे लोग को बहुत पसंद आता है इसका चटनी। बस ऐसे ही सब कुछ मिला हुआ है इसमें, तो ये चटनी का काम आएगा। अब हम दूसरा बाउल में हम इसको निकाल ले रहे हैं, दूसरा पेस्ट बना करके। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दे रहे हैं और इसे पतला घोल लीजिएगा दोस्तों चम्मच से। अब देखिए, एक अलग कटोरी में हमने थोड़ा सा पानी लिया है, हल्दी डाले हैं और साथ में इसमें नमक भी डालेंगे। इसके बाद इसे मिला करके हम इसे गैस पर चढ़ा देंगे एक उबाल के लिए, पकाने के लिए। तेज आंच में पका रहे हैं इसे, देखिए एक उबाल आने देंगे। पानी कम ही दीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा पानी दीजिएगा तो घोल पतला हो जाएगा। हमने बहुत ही कम पानी दिया है। ये देखिए, इधर अलग से हम इसको घोल लिए हैं पेस्ट को। अब इसको इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये दाल थोड़ा गाढ़ा ही अच्छा लगता है। जैसा रहर दाल खाते हो वैसा ही बनाना है। तो ये देखिए, दिखा रहे हैं आपको हम, ये देखिए गाढ़ा दाल है। ऐसा ही दाल रखिएगा, पानी आप बहुत कम ही दीजिएगा इसमें। अब इसे एक उबाल तक पकाते हैं, तब तक हम इधर छौंका लगाने की तैयारी करते हैं। ये देखिए, हमने थोड़ा सा तेल लिया सरसों का, इसमें तेज़पत्ता दिए, जीरा दिए, मिर्चा दिए, आप लहसुन नहीं दे सकते हैं अगर लहसुन नहीं खाते हैं तो। अब देखिए, इसका छौंका लगा दे रहे हैं। ये देखिए, उबाल आ गया। बस इतना ही पकाना है इसे। हमने गैस बंद कर दिया है मटर का। अब ये देखिए, छौंका लगाएंगे। ये लहसुन भी पक गया है, थोड़ा थोड़ा देकर के छौंका लगाइएगा। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है दोस्तों। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बोलिएगा हमें कैसा लगा। इस तरह से बनता है दोस्तों मटर की दाल। और ये मीठा मटर है इसलिए खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद लगता है। ये देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए पूरा ग्रीन है। ये हल्दी इसमें हल्का ही मिलाइएगा ताकि ये ग्रीन कलर अच्छा सा रहे। तो दोस्तों, आज का टिप्स मैं बताने वाली हूँ छेना के पानी के बारे में। बहुत लोग छेना का पानी को यूज नहीं करते, फेंक देते हैं। अगर आप इसे आटा सानिएगा तो आटा बहुत मुलायम होता है। ये देखिए, अगर आप नान वान बना रहे हैं तो इसमें छेना का पानी देके सानिए, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बनते हैं और फूल भी जाते हैं ये थोड़ा। ये देखिए, थोड़ा सा लगा ये। अगर आप छेना डेली फाड़ते हैं तो इसे आप एक गिलास में ढक के रख दीजिए और डेली इसे छेना फाड़िए तो छेना अच्छे से फट जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।